थैंक यू सो मच मेरे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं। वो पाजी अभी आप स्टेज पे हो, गाना रिलीज हुआ है, एक आध दो लाइन नहीं होगी तो किस तरह क्या सोचना है लोगो का, दारू पी ले हो जलो का, संगीत बजता यो यो का तो हिलती है पूरी नाव का, धरती पे पार्टी तो धरती हिल जाएगी, पानी पे पार्टी तो लहरें भी हैं, जो मैं ये नैया न पार लगाऊं तो निकोल घर कैसे जाएगी, रात से हो गया दिन, पी के वोड का कोला जे बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मथली चढ़ पे पानी बिन, तिनक तिनक धैन, तिनक तिनक धैन, मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धैन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, क्या बात है, की ब्लेसिंग, कीप लविंग यो योहानी सिंह। नया गाना लोका प्लीज फैला दीजिए, एक कोरोना वायरस के बाद ये लोका वायरस है, इसको फैला दीजिए। भाजी आप खड़े हो, मेरे को एक और रिक्वेस्ट है, लास्ट वाली, गाने का हुक स्टेप बड़ा मस्त है और यहाँ पे आप दोनों खड़े हो, इकट्ठे करना चाहिए हमने, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे को थोड़ा वक्त लगा था, थोड़ा सा ट्रिकी है, इन्होंने तो फटाक से कर लिया था। हाँ निकी करेगी, कम इन ब्यूटी। आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, प्लीज बिग बिग थैंक यू टू आवर स्टार, द मेगा स्टार, यो यो हनी सिंह पाजी, पाजी तुसी बेस्ट हो, हाय हाय मजा ही आ गया, मैं पाजी नाल मेरा डांस भी कर लेता। एक मैं फोटो आपके लिए, एक बार सर आपको वापस डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा सा फोटो आपके लिए, द यो यो जी, निकी कैन यू कम बैक ऑन स्टेज, वी विल जस्ट डू अ फोटो अप। तीसरी से विनोद सर भी हैं यहां पे, सर सर आइए, शिव सर, विनोद सर, दोनों को मैं बोलूंगा आ जाएं। बॉबी, बॉबी सूरी जी कितने हो तुसी, बॉबी का भी अलग एकदम स्वैग है। एक चीज करना चाहता हूं, मेरे सारे मीडिया के फ्रेंड्स से मैं थोड़ी माफी चाहता हूं, मैं इतने स्वैग में कभी खड़ा नहीं हुआ, आज मैं पूरा दुबई पहन के आया हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों की आंखों में कोई मोतियाबिंदु हो, तो आप अपने अपने ग्लेयर्स पहन लो जी। तो हनी सर ने पहले जेब में हाथ डाल लिया, वो लोग लगता है ग्लेयर्स निकाल रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे ना लाइफ में ऐसे खड़े होना है, भले मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ फोटो लेगा, लेकिन मेरे को ये करना जरूर है। फील कैसे आती है, 1 2 3 सर वो भी फेंक दे, मैं घर थैली में भर के ले जाऊंगा। चलो कांदा ही फेंक देना भाव के हिसाब से। हाँ जी मेरा नाम है रिकी सिंह, कैसे हैं आप लोग, एक वू आया, कोई नहीं स्टार्टर के बाद वू बढ़ा देंगे अपन 60 गुना, ठीक है। हाँ जी वो एक रेड एफएम करके रेडियो चैनल आता है, बजाते रहो, उसमें मेरा शो आता है 5 से 6 के बीच में फ्राइडे को, ना रिकी सिंह नॉन फिल्मी वाले गाने सबसे बेस्ट वाले बजाता हूँ। तो उसमें ना मेरे को ऐसे पता चला कि एक नया गाना आया है सारे लोका ले लोका, तो मैं इतने आ गया क्योंकि मैं लोका का बंदा, मेरा नाम है रिकी सिंह, वो आज ऋषि कपूर करके बंदा है, उसके शो का 1 घंटा मैंने खा लिया। वैसे आप लोग एक्साइटेड हो, अब आपने हु जो है 60 गुना बढ़ा दिया, अब आपको रुमाल में भी बांध के देंगे स्टार्टर हम।
हाँ जी हाँ जी, मेरे जोक पे हंस लिया, मेरा तो इधर ही शो खत्म हो गया। लेकिन आज का दिन आप मुझे चाशनी सिंह बुला लेना, बंदे का नाम हनी हो सकता, हमारा नाम तो चाशनी हो सकता है जी। अब क्या है ना, मेरे को हनी जी से एक बहुत बड़ी कंप्लेन है, और जैसे गोल्ड का भाव चल रहा है ना, लोग आजकल सिर्फ गोल्ड खरीदते हैं, तो उनके गानों में आता है गिन्नी ले ली गिन्नी ले ली, मैंने तो गोल्ड का 1 ग्राम का खरीदा था, ये पूरी लैम्बोर्गिनी ले आते हैं और गिन्नी गिन्नी करके 12 हो गई इनके पास लैम्बोर्गिनी, हर कलर की एक ये वाली भी ये वाली हो गई, मेरे पास तो ऐसे तो 36 जैकेट हैं। तो जो गाना जिसके बारे में हम आज गल करने वाले हैं लोका लोका, मैं आपको बता दूं, मेरे को अभी अभी पता चला, जब मैं यहाँ आके बैठा था ना आप लोगों की चेयरों पे, तब 2.2 मिलियन हिट्स थे, अब इतनी देर में मैंने सिर्फ ये चश्मे पाए 3.2 हो गया। बिग हैंड फॉर हनी सिंह। क्या बात है जी, क्या बात है, मतलब तीसरी बार भी बजा दो, मेरे काम करने का इंटरेस्ट ही, मैं पूरा दिन वीडियो देख सकता हूँ। कैसा लगा आप लोगों का गाना? बहुत ही जबरदस्त, 2 बार तो यही हम सबने देख लिया, हमारी आंखें पकड़ लो तो मिलियन व्यूज यहीं पे हो जाते हैं, और रात तक अगर मेरे को और 2-4 मिलियन नहीं दिखे, आपके घर पर रिकी सिंह आएगा, आपके फोन से वीडियो देखना शुरू कर देगा, बाकी पंगा आपने लेना है जी। हाँ जी, हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं यार इन्हें साल से ये सारे काम कर रहा हूँ, मुझे कपूरों के तो खानों के भी टाइम मिल जाते हैं, लेकिन यो यो हरी सिंह का टाइम कभी नहीं मिलता। तो यहाँ पे उनको बुलाने के पहले, मैं मेरा एक बहुत ही जबरदस्त गाना है, 270 मिलियन उसको हिट्स हैं, वो जो है उसकी 4 लाइनें मैं गाने वाला हूँ, अगर आपको समझ में आए याद आए पसंद आए तो जरूर तारीफ करना। तो गाना कुछ ऐसा है, इरशाद ऐसा है कि भाई घर पे चलना है या चलेगी क्लब, मेरा मतलब घर के क्लब, तभी लूंगा मैं लेफ्ट या तो राइट, होटल में शोर होगा घर पे होगी पिलो फाइट। गाना याद आया, गाना याद आया, ब्लू आईज, यस सर, व्हाट्स अप, बुलाना चाहूंगा मैं द वन एंड ओनली द स्टार, द वन एंड ओनली द गाय हु मेक्स ब्लिंग लुक फीका, क्योंकि उनमें खुद में इतना ब्लिंग है, हरी सिंह। यो यो हरी सिंह, रैप तो आपका ही है, वो मेरा वाला मैं भूल गया था, मैंने बादाम खाना बंद कर दिया। तो पाजी वेलकम है तुम्हारा, गाना हमने देखा इतना चंगा लगा, पहले बताइए लोका लोका का मतलब क्या होता है? लोका मतलब होता है क्रेजी गर्ल, और क्रेजी गर्ल क्रेजी गर्ल, और लोको का मतलब होता है क्रेजी बॉय। सो पूरा गाना लड़कियों को डेडिकेटेड है, अच्छा, और लड़कों को भी डेडिकेटेड है, अच्छा, जैसे लड़के क्रेजी होते हैं लड़कियां ज्यादा क्रेजी होती है। आई हाय, सो वी मेड दिस लोका। आप पहले से हनी हो, आप पे किसी को प्यार आता है वो आपको क्या बुलाता है? मुझे कोई प्यार कोई आपसे प्यार करता तो वो आपको क्या बुलाता है? पहले से ही हनी हो, तो हनी हनी 2 बार बोलते हैं, 2 बार यो यो हनी सिंह यो यो हनी सिंह बोलते हैं। अच्छा, मैंने सुना ये गाना आपने 2 घंटे में पूरा मतलब तैयार कर दिया था, ऑलमोस्ट जितने भी गाने होते हैं जो हम क्रैक करते हैं बनाते हैं, हाँ जी, तो वो अगर वो 2-3 घंटे के अंदर बन जाते हैं तो इसका मतलब कि गाना क्रैक करने लायक है और अच्छा है। सो व्हेन वी ट्राई टू एक्सेल द एक्सीलेंसी, जब ज्यादा टाइम लगाते नहीं, थोड़ा और देखते थोड़ा, वो गाने में इतना मजा नहीं होता। हाँ जी, जनरली जितने भी गाने जो भी मेरे हैं, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, हाई हील्स, ये सब जब 3-4 घंटे में बने गाने, वी जस्ट मेड लोका फ्रॉम बीट टू फिर लिरिक्स टू रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन 2 आवर्स। तो मतलब जितना टाइम हमें यहाँ से लोअर परेल जाने में लगता है उतनी देर में सर एक सुपर हिट बना देते हैं। सर के लिए जोरदार तालियां जी, पाजी एक नंबर आर्टिस्ट ने। पाजी गाने के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि मतलब जब ये बना, आपकी टीम कैसे इकट्ठी हुई, कैसे वीडियो शूट किया आपने गुगु बोट पे? हाँ जी, वो मतलब चक्कर नहीं है आपको? एक्चुअली मेरे जितने भी गाने होते हैं कुछ नए होते हैं, कुछ वियर्ड होते हैं, तो मेरी ये सोचना है कि विदाउट विजुअल वो मैं अगर गाने किसी को सुनाऊं तो उनको कम ही समझ में आते हैं, तो मुझे विजुअल अपने गानों का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रिसाइजली वही दिखाएं जो मेरा गाना कह रहा है। तो हमें तकरीबन 3 महीने लगे इसकी प्री प्रोडक्शन में, और मेरी सारी इन हाउस टीम है, बॉबी सूरी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर, मिहिर गुलाटी, और बाकी हम लोग एडिटिंग वगैरह भी सब खुद ही करते हैं। सो दिस वीडियो टुक अस 4 मंथ्स कि आपके सामने लेकर आने में, बहुत मेहनत लगी है इसको, और हमने दुबई में शूट किया इसको, मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो ऑलरेडी दुबई में शूट कर चुका हूँ, लेकिन हमने कोशिश करी है कि वो दुबई दिखाएं जो किसी और ने अभी तक नहीं दिखाया। We just made this video. हाँ जी, तो मतलब आपको भी एक इनर इंकलिंग होती होगी कि ये गाने के मतलब मेरे मिनिमम इतने हिट्स तो होने वाले हैं, अंदर से पता चल जाता है कि ये वाले में तो मैंने फाड़ दिया। हिट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे मम्मी डैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा कहते हैं तेरे अच्छे मिलियन हो रहे हैं वो मिलियन, लेकिन मेरे को है कि लोगों तक पहुँच जाए गाना प्रॉपरली, जो टी सीरीज बेस्ट है इन द वर्ल्ड, कि आपके गाने को रीच दे देते हैं, बाकी गाने की किस्मत है वो क्या करेगा क्या नहीं। और जी आपका स्टाइल भी बड़ा वखरा है, एकदम स्वैग भी मतलब एकदम चंगा है,
मेरा तो ये सब लोखंड वाला का है, आपका ब्लिंग कहाँ से आता ये भी ब्लिंग नहीं है, सिंपल है। अच्छा नहीं, मेरे वाले का खाता चलता है इधर, मेरे को कभी आपको हेल्प करनी हो तो मैं कभी भी भाग के ले आऊंगा आपके लिए। वैसे आपके साथ गाने में और भी बहुत बहुत जबरदस्त जो नाचे हैं उनके बारे में बताइए, निकी के बारे में बताइए। इनको भी कास्ट करने में हम लोगों को 1 महीना लगा था। अच्छा, एक महीना लग गया। मैंने आपको 1 महीने बाद हमने इनको ढूंढा, मतलब मैंने आपको इमीडिएटली चुन लिया, मम्मी को बता दिया है कि मतलब लड़की भी मांग लेके, मतलब मैंने अपना बता दिया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस योयो के साथ? अमेजिंग, इट वाज सरियल। वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस वीडियो, डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस, बट एवरीवन मेड इट रियली गुड। बॉबी एंड साहिल एंड महीर एंड योयो एंड एवरीवन वाज जस्ट रियली रियली स्वीट। एंड इन्होंने हार्ड वर्क बहुत किया, इन्होंने पूरा सीक्वेंस मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में सीखा थ्रू आउट, और सेट पे भी इतना कुछ था, बहुत सारा झमेला था, बहुत सारे डांसर्स थे, इवन दो उसके बावजूद भी ये बहुत स्टैंड आउट करा इन्होंने। इन्होंने डांस एन अमेजिंग टाइम, या